Where are you going? Wow! Beautiful park! Wow! Wow, baby! खोलने गुड्डू सीट उधरों दी बैठो बैठो ऊपर जल्दी बैठो जब इनाया चले जाएगी तो ये प्रीशियस टाइम मैं मिस करूंगा रियली में नॉर्थ इंडिया जाऊंगा हो गया ठीक ये है प्रॉस्पेक्ट में गुरुद्वारा साहिब आज का शब्द पढ़ लीजिए तो लंगर लगा हुआ था जी चाय का और प्याज के पकौड़े ब्रेड पकौड़ा और बर्फ़ी और दो तीन आइटम और थी मज़ा आ गया तो संडे को मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट में 10 से 12 बजे के बीच में अगर मिलना हो तो आप भी आ सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर बच्चे देखे हैं पंजाबी बच्चे लेकिन वो पुराने आए होंगे उनकी स्कूलिंग यहाँ पर है ऑब्वियस सी बात है उनका स्लैंग ऑस्ट्रेलियन स्लैंग जैसा मतलब जब आप अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ाते हो यहाँ के एनवायरनमेंट में अगर आप काम करते हो तो उनका स्लैंग भी वैसा ही हो जाता है हालांकि मेरा स्लैंग ऑस्ट्रेलियन नहीं है अभी तक ये गुरुद्वारा साहिब के सामने वाली सड़क है ये देखो गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर हर संडे कीर्तन दरबार होता है सुबह लंगर लगता है चाप घोड़े का और शाम को या दोपहर को अगर कोई चाह वाह लंगर लगाना चाहता है किसी की तरफ से तो आज बन रही हैं पूड़ियाँ तो मेरा आज थोड़ा सा काम था बिज़ी था मैं आया संडे को मोस्टली मैं फ्री होता हूँ तो इसलिए आज मैं सुबह आया एक तो लंगर पानी खा लिया और ऊपर से भगवान के घर जाए यहाँ पर इतना बिज़ी लाइफ है ना तो आपको इन कामों के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा तो गाइस कोशिश करो कि आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्पेंड करो टाइम इतनी शांति मिलती है अंदर कीर्तन लगा हुआ और शब्द लगे हुए मज़ा आ गया गाड़ी का नंबर चेक करो पंजाब हमेशा इनाद का यही काम होता है कि वो आती नहीं है बच्चे मिल गए हैं बच्चों को अपना है खेलना है और वहाँ पर पौड़ियाँ हैं एंट्रेंस में ऊपर जाती है नीचे आती है ऊपर जाती है नीचे आती है सारा टाइम वेस्ट हो रहा है बाल मेरे सारे ख़राब हो गए हैं पटका बांधा था ना मैंने चलो मैनेज कर लेना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है तो अभी हम चलते हैं गुड न्यूज़ की तरफ इत्थे बह के चलो घर इत्थे बिठाना इनायत जाऊगा इत्थे बह के अंदर बहना अंदर चलो फिर आओ गाइस मैंने लास्ट दिनों एक वीडियो डाली थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वापस आए हैं ऑस्ट्रेलिया में डार्विन ने प्रपोजल किया था सरकार को और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था 60-70 स्टूडेंट्स वापस आए थे डार्विन में तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अब बाकी स्टेट्स भी काम कर रही हैं इसके ऊपर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी कंट्री में वो सबसे ज़्यादा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से तो गाइस NSW ने अपना प्रपोजल दिया है फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने ये लिखा है प्रपोजल में कि हमें 1000 स्टूडेंट एक हफ्ते में वापस लेकर आना है ऐसा मुझे सुनने को मिला है मैंने न्यूज भी पढ़ी थी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा तो गाइस आप सोच सकते हैं कि NSW ने प्रपोजल किया है फेडरल गवर्नमेंट को NSW की सरकार ने फेडरल गवर्नमेंट को प्रपोजल किया अभी प्रपोजल ही किया देखते हैं अगर ये मंजूरी हो जाती है तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि आपके सपने साकार होने वाले हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑब्वियस ही बात है कि कोरोना वायरस एकदम से हो गया फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई और जो लोग वहां पर गए थे आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसी भी और कंट्री में अपनी होम कंट्री में वो वहां पर ही फंसे रह गए हैं
हालांकि कुछ पीआर सिटीजन भी ऐसे हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं। सोचने वाली बात है कि मैं इंडिया से फ्लाइट देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, इतनी महंगी फ्लाइट थी, बंदा कहेगी यार मैं वहीं पर रह लूं, जितना पैसा मैंने ऑस्ट्रेलिया में 3-4 महीने में कमाना है उतने की फ्लाइट थी। मतलब काफी दिनों की बात है, मैंने देखी थी एक फ्लाइट 10 से 15 दिन के बीच में मैंने आन जान करना था, उस फ्लाइट का प्राइस था $20,000 अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। अभी कम हो गया होगा, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन उस टाइम के ऊपर मैंने मुझे किसी ने बताया था कि फ्लाइट का रेट इतना है, मैं विश्वास नहीं कर रहा था। फिर वही बंदा मुझे मिला दोबारा, उसने मेरे को दिखाया कि ये देखो प्राइस इतना हो चुका हुआ है, एक फ्लाइट थी $20,000 की, एक फ्लाइट थी $11,000 की। क्योंकि जब आप फ्लाइट बुक करते हैं ना, आपका जहां से आपने चलना है और सोर्स और डेस्टिनेशन में कितना अंतर है, कितने दिनों का गैप है, उसके अकॉर्डिंग फ्लाइट के रेट चेंज होते रहते हैं। तो गाइस ये थी आपके लिए गुड न्यूज, 1000 स्टूडेंट NSW की गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है, होपफुली बाकी स्टेट्स भी, बाकी सिटीज भी प्रपोजल देंगी, वो बना रही है, होपफुली आपका आना तय है। तो गाइस कमर कस लीजिए फटाफट और अपनी तैयारी कर लीजिए, होपफुली आप जल्दी सभी यहां पर आए, अगर एक फ्लाइट चल सकती है तो बाकी भी चल सकती है, क्योंकि अगला स्टेप हर कोई यही चाहेगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, पीआर को, सिटीजन को, या जितने भी ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलिया के वीजे हैं जिन लोगों के पास, उनको यहां पर लेके आया जा सके। तो आप ये मत सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहां पर कुछ नहीं कर रही है, आपको इन बातों से पता चल रहा है। पिछले दिनों कुछ मैंने सोचा, मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन लोगों बहुत मतलब गुस्सा थे कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, बॉर्डर क्यों नहीं ओपन कर रही है, बाकी कंट्रीज में तो ओपन किए हुए हैं। देखो सभी का रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने जस्ट वीडियो डालकर आपको जो यहाँ पर हो रहा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर हो रहा है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, इस फ्लाइट के बारे में, अगर नहीं पता तो इस वीडियो के जरिए पता लग जाएगा। और आपकी जिम्मेवारी अब क्या है कि इस वीडियो को लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता लग सके कि यार अब हमारी बारी आने लगी है। और उसी तरह बाकी स्टेट्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया और विक्टोरिया हो गया, और भी जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो भी प्रपोजल तैयार कर रही होगी होपफुली, ताकि आप सभी यहां पर आ सको। तो गाइस अभी ऑस्ट्रेलिया में तो कोरोना वायरस नहीं है, प्रिकॉशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल फ्री हम घूम रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन तो फॉलो करनी पड़ेगी हमारे को जितनी देर तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता या वैक्सीन नहीं आ जाती। तो सुनने में आया था कि यूके में वैक्सीन आ चुकी हुई है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, हमें नहीं पता, अगर वैक्सीन आ जाती है तो थोड़ा बहुत जल्दी खुल जाएगा, पर अब सरकार काम कर रही है। अभी आपको ये लगना चाहिए कि सरकार काम कर रही है, एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत होप होनी चाहिए। बाकी जो अगली नोटिफिकेशन आती है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ब्रेकिंग न्यूज, मैं वीडियो रेंडर कर ही रहा था तो मुझे न्यूज सुनने को मिली कि डार्विन प्लान कर रहा है दोबारा चार्टर फ्लाइट चलाने का, और सबसे खुशखबरी की बात बता रहा हूँ, अब वो टारगेट कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को। न्यूज़ आपकी आंखों के सामने है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बीते दिनों चार्ल्स यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा मैंने वीडियो डाली थी, 63 स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन अब वो टारगेट कर रहे हैं इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। गाइस अगर हो जाता है पूरा तो आपका भी आना तय है और जल्दी है। बाकी लेट्स सी व्हाट विल हैपन, होप फॉर द बेस्ट। कैसी लगी वीडियो कर देना शेयर लोगों के साथ, अब तो खुश हो जाओ।